बिहार में वैश्विक कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में उछाल देखा जा रहा है। बिहार सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुल 7,870 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 1,555 लोगों की कोरोना जाँच की गयी, जिसमे राज्य में अब तक के सर्वाधिक 7,870 संक्रमित मिले हैं। वहीं जानलेवा कोरोना हर दिन बिहार में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा रहा है। शनिवार को कोरोना से राज्य में 51 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 11 पटना में जबकि 40 अन्य जिले के हैं। इसमें कई जिलों के मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें इलाज के दौरान पटना में अंतिम सांस ली। पटना के बाद कोरोना ने सबसे ज्यादा शिकार शनिवार को सारण में बनाया। सारण में कोरोना ने कहर बरपाया और 7 लोगों की यहाँ मौत हुई। 7 में से 3 लोगों की मौत सारण में हुई जबकि 4 की पटना में। बेगूसराय में 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर सासाराम में भी 2 लोगों की मौत हो गई। जहानाबाद में 2 लोग मौत की चपेट में आ गए। दूसरी ओर गोपालगंज के कटैया के गधेड़ की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। बक्सर के भी एक युवा शिक्षक की मौत पटना के IGIMS में हो गई। नालंदा में से 1 मरीज की मौत हुई तो वहीं नालंदा के नूरसराय BDO की मौत पटना में उनके आवास पर हो गई। गया में भी 5 लोग मौत की नींद सो गए। औरंगाबाद में 2 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। शनिवार को उत्तर बिहार में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान गई। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में 2 लोगों की मौत हुई। जिला परिषद के एक अभियंता की मौत SKMCH परिसर एम्बुलेंस में हो गई। एक व्यक्ति की जान SKMCH के कोरोना वार्ड में हुई। SKMCH के एक PG स्टूडेंट की मौत पटना के IGMS में हो गई। बेतिया मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 2 की जान चली गई। 2 मरीजों की मौत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। 1 की मौत मधुबनी में हो गई। भागलपुर में 7 संक्रमितों की मौत हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।